हेलो गाइस, आप सभी लोगों का मेरे माही ब्लॉग एंड शॉर्ट्स में स्वागत है। और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है शाम के 4 बजे से। अभी हम घर से आ गए हैं गाइस, और अभी हम जा रहे हैं हंसू के ननिहाल। यहाँ हम बस का वेट कर रहे हैं। तो गाइस, हमें बस मिल गई थी, उसके बाद हम बस से उतर के पैदल पैदल जा रहे हैं। त्यौहार की वजह से हमारे यहाँ की गाड़ियाँ कोई आई नहीं है, तो हमें यहाँ से भी पैदल चलना पड़ रहा है, ससुराल से भी पैदल, मायके से भी पैदल। थक गए हैं हम बहुत ज़्यादा। तो गाइस, हम लोगों को लेने आए हैं सोनी और भानु। हर्षु भानु के साथ है, और ये सोनी फोन पे लगी हुई है। तो अब हम आपको मिलते हैं, देखते हैं आज भानु को देखिए। तो अब हम आपको मिलते हैं सीधा घर जाके, क्योंकि पैदल बहुत चलना है और थकान भी बहुत हो रही है। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो गाइज, ये तीनों लोग चल रहे हैं आगे से, और हम लोग पहुँच चुके हैं महाराज जी की कुटिया के पास। ये कुटिया पड़ती है फुलोरी में। यह है गाइज महाराज जी की कुटिया। तो गाइज, ये है घिंगारू, जंगली फल, और बहुत टाइम बाद मेरे को देखने को मिला है ये। अगर आप लोग भी खाना चाहते हो तो आ सकते हैं हमारे पहाड़। जब हम छोटे छोटे से स्कूल जाते थे तब हम इनको खाया करते थे, और आज मुझे फिर इनके दर्शन हो गए। और इनको छोटा सेब भी कहते हैं, छोटा सेब, वैसे घिंगारू कहते हैं। अगर आप लोग भी खाना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं हमें कि हमें भी खाना है, तो हम आपके लिए भी लेके आएंगे। तो गाइज, मेरे ससुराल से एशिया की नंबर वन दूरबीन बिल्कुल क्लियर दिखती है। यह है कुलूरी गांव। कुलूरी गांव से देवस्थल बिल्कुल क्लियर दिखता है। यह है एशिया की नंबर वन दूरबीन। कोहरा लगा हुआ है इसलिए क्लियर नहीं आ रही है। अगर कोहरा हटता है तो मैं आपको क्लियर वीडियो दिखाऊंगा। ये सामने दिख रही है, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। यह है एशिया की नंबर वन दूरबीन देवस्थल में। तो गाइज, ये है देवी मैया का मंदिर, और मनु और हर्षु दोनों भेंट चढ़ा के आ गए हैं। अब मिलते हैं आपको सीधे आगे। तो गाइज, हर्षु पहुंच चुका अपने ननिहाल। अब मिलते हैं नानू से और नानी से, हर्ष की। तो गाइज, ये है रॉकी। ये जब भी कोई मेहमान आता है, जब भी कोई आता है, तो उसको अच्छा मानने लग जाता है और काटता नहीं है, बच्चों को अच्छा मानता है। नहीं।
जल्दी बोल, मैं खुद लाऊंगा, मैं खुद लाऊं तो बोल। आ जाओ नानी, मत ये नानी, अभी नानी आ गई है। हेलो डॉगी, मैं सुना अभी सुनो, उसको बुलाना पे मेरे पास वो गुरु मेरे पास है। आप यहाँ आ जाओ, आ जाओ जाओ वो नदी, आप यहाँ आओ तो वो खुदी आ जाएगा। ओ डॉगी, ओ डॉगी, तो भात लगी लगी ला ला के रो पीछे। तो गाइस हंसू चले गए अपने नानू के पास, अब नानू करने लग गए अपने नाती से प्यार। तो गाइस मन्नू चलेगी अपनी अम्मा से नमस्कार कहने। हंसू को मिल गई है कैट, अब हंसू खेल रहा है कैट के साथ, कैट को बहुत अच्छा मानता है हंसू। हे तेर कोई मुखड़ी, हे तेर प्यारी मुखड़ी, हे तेर कोई मुखड़ी भली लगी रे, हे तेर कोई मुखड़ी, हे तेर प्यारी। तो गाइस घर पहुंच के हम लोगों ने चाय पानी पी लिए और कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं और अब हम सब लोग बैठे हैं, तो मैं आपको सबसे मिला। तो गाइस ये मेरी मम्मी है और ये ताई जी हैं, दोनों देवरानी जेठानी हैं, और पीछे हर्षू के पापा, और इधर हर्षू और उसकी मौसी खेल रहे हैं, देखो कैरम खेल रहे हैं। जूते चप्पल इग्नोर करना गाइस, ज्यादा ध्यान मत देना। तो ये हैं मेरे पापा हर्षू के नानू, दोनों खेल रहे हैं यहाँ पे कैरम। हर्षू अपने नानू के साथ खेल रहा है कैरम। तो अभी हम आ गए हैं ताऊ जी के रूम पे, ये हमारे ताऊ जी हैं, ये ताई जी हैं, इनका ऊपर का रूम है यहाँ। तो यहाँ किचन भी है लेकिन यहाँ चाय वाय बनाते, खाना सबका खट्टे ही बनता है नीचे, और बस यहाँ चाय बनती है। ताऊ जी रेडी है मान, और हर्षू खेल रहा है बिल्ली के साथ, और ताऊ जी रेडी है मंदिर की पूजा करने के लिए। तो गाइस ये है घर का मंदिर, और ताऊ जी भी पहुंच चुके हैं मंदिर में पूजा करने। तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं ज़्यादा बड़ा न करते हुए, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा ये ब्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग एंड शॉर्ट्स।